सो हे गाइस, आज अपने पास आ गया है बीट एक्स की तरफ से एक नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है बीट एक्सपी माव सुपर। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो 1799 रुपीस इसकी प्राइसिंग है। हाथ में मैंने पहन लिया है, वॉच काफी तगड़ी है। अगर स्पेशल चीजों की बात करूं तो 560 निट्स तक का HD स्क्रीन ब्राइटनेस वाली मिल जाती है आपको, जो कि आपको कोई भी हार्श लाइटिंग में कोई भी टेंशन नहीं होगा। 100 प्लस आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं, प्लस स्पोर्ट्स मोड भी सेम आपको 100 प्लस देखने मिल जाते हैं। IP68 की रेटिंग भी देखने मिल जाती है, प्लस आप इसके साथ कॉलिंग फंक्शन भी यूज कर सकते हो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के साथ। नहीं, मानता। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैं आपको आगे चलते इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाई ने बोला है और इतने महीने से इसको खरीदा है यार, अपने पैसे डाले, कुछ तो भाई रहम कर लो, सब्सक्राइब कर लो, गजब बेइज्जती है। और अगर इसको खरीदना होगा वीडियो के बाद में तो आपको बेस्ट बाइंग लिंक पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है, माप सुपर ऊपर लिखा हुआ है, इधर कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स, इस साइड में भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओहो, वॉच इधर रखी गई है, इसको चालू कर ले, कुछ सेकंड्स लेगा ये। ओके, चालू हो चुका है, एक वाइब्रेशन आ चुका है। बाकी अंडर द बॉक्स और कंटेंट देखते हैं। इधर कुछ ऐसा आपको बुकलेट्स देखने मिल जाते हैं, मैनुअल गाइड, पत्रिका देखने मिल जाती है, स्टिकर्स, एक साल का वारंटी कार्ड, सब चीज़ें इधर दी गई है, आपको अगर इसको यूज़ करना है तो कर सकते हो। बाकी इधर आपको पोको पिन टाइप चार्जर देखने मिलता है, इसको चार्ज करने के लिए कुछ ऐसा क्वालिटी दिया गया है। बाकी हो गया, बस अनबॉक्सिंग खत्म। मिनियन के ऊपर कपड़े ढक गए मेरे। बाकी ऐसा कुछ स्मार्ट वॉच देखने के लिए लगता है भाई, लुक एंड फुल तो बहुत ही तगड़ी है इसकी, इस प्राइस रेंज के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी अराउंड मुझे 1500 में पड़ा है, मैंने ऑफर में खरीदा था। बाकी ऐसा कुछ इसके मेन मेन्यू देखने के लिए मिलते हैं। देखो अभी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो इधर आपको इस बिल्ड क्वालिटी बहुत सही देखने मिलती है। ये मेटल है कि नहीं पता नहीं, तो देखना पड़ेगा इसको, थोड़ा अपना प्लास्टिक है, प्लास्टिक मतलब मेटल नहीं है। इधर पॉलीकार्बोनेट दिया गया, इधर सेंसर्स दिया गया है, और चार्ज करने के लिए पोको पिन टाइप चार्जर, इधर स्पीकर, और इधर आपको माइक का एक सपोर्ट देखने मिल जाता है। स्ट्रेप आपको 22mm के देखने मिल जाते हैं, जो कि इंटरचेंजेबल है, आप इंटरचेंज कर सकते हो इसको अलग अलग बेल्ट के साथ में। और इन्होंने रिच फील है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी इस प्राइस रेंज के अंदर में, ऐसा लग नहीं रहा है कोई अनप्रीमियम वॉच है, बहुत ही प्रीमियम सा फील भी हो रहा है। बाकी इसका जो डिस्प्ले वो बहुत तगड़ा लग रहा है देखने के लिए। अराउंड इसमें ना 560 निट्स तक का ब्राइटनेस देखने मिल जाता है, 230x238 का पिक्सल का आपको इधर डेंसिटी स्क्रीन देखने मिल जाता है। और ब्राइटनेस मैं आपको दिखाता हूँ इधर फुल करके, आपको हार्श लाइटिंग करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये हार्श लाइटिंग पूरा, अभी मैंने नेचुरल हार्श लाइटिंग रखा है, तो आप देख पा रहे हो पूरा, आप कोई भी साइड से रख के यूज़ कर पाओगे, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिच फील आएगा डिस्प्ले के मामले में। तो इसका हार्श लाइटिंग हम लोग बंद कर देते हैं, तो हमारा कैमरा खराब हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ आपको इधर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, एक 2 इंच का डिस्प्ले है, इधर कंपनी ने बोला 2 नहीं यार, 2mm का डिस्प्ले, 2mm भी नहीं बोलते यार, 1.9 इंच, 2 इंच का डिस्प्ले। अरे कहना क्या चाहते हो। और इधर आपको ऐसा कुछ टच कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो आप इधर से डायरेक्टली कर सकते हो, इधर से डायरेक्टली हो जाता है। और ये रोटेटेबल क्राउन नहीं दिया है, और मैं इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट भी नहीं करता। बाकी इधर कुछ आपको स्पोर्ट्स मोड ये सब चीज़ें देखने मिल जाती है, इसका UI बहुत ही स्मूथ लगा मुझे। इधर से डायरेक्टली आपको टॉगल नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, और ऊपर से नीचे करो तो आपको मेन इधर टॉगल फंक्शन देखने मिल जाते हैं, अगर नीचे से ऊपर करो तो इधर मेन मेनू देखने मिल जाता है। मैसेजेस के लिए आपको इधर मैसेजेस के अंदर जाके मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो वो एक चीज़ है, बाहर होता तो बेटर होता। तो इधर आप मैसेज को रीड कर सकते हो, लेकिन डिलीट कर सकते हो और रिप्लाइज नहीं कर सकते। बाकी UI देखोगे आप बहुत ही स्मूथ है, आपको इसमें गेम्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, 3 अलग अलग गेम्स भी है। कैलकुलेटर मिसिंग लगा इधर मेरे को क्लियरली, लेकिन AI वॉइस असिस्टेंट अवेलेबल है। बाकी कैमरा, शटर, म्यूजिक प्लेयर, SPO2, फोन कॉलिंग भी आप इससे कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखने मिलती है। 100+ आपको स्पोर्ट्स मोड भी देखने मिल जाता है, अलग अलग आप अलग अलग स्पोर्ट्स एक्सरसाइज कर सकते हो, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। बाकी सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में इधर ही नॉर्मल ऑप्शन रहता है फायरबोल्ट का, वही सब इधर दिया गया है, जिसमें आप फोर डिस्प्ले में जाकर ब्राइटनेस, ऑटो लॉक, ये सब चीज़ें कर सकते हो। ऑटो लॉक अभी मैं 30 सेकंड तक सेट कर सकता हूँ, बाकी आप इधर से भी डायरेक्ट सेटिंग्स में डाइविंग कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल UI भी काफ़ी स्मूथ है। अभी फोन से कनेक्ट करने के लिए, तो इधर मैंने अपना iPhone ले लिया, आप Android से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है डाफिट। भैया मेरा फेस ही नहीं खुल रहा है, देखो मतलब iPhone भी कभी कभी ऐसे दगा दे देता है। और ऐसा कुछ आपको अभी इधर स्मार्टफोन देखने मिल जाता है, जिसमें आपको डाफिट ऐप में जाना है, एड डिवाइस करना है। आप जैसे ही इसको एड डिवाइस करोगे तो माप सुपर नाम लिख के आ जाता है, तो इस पर क्लिक करना है। तब जैसे ही क्लिक करोगे, इधर थोड़े सेकंड्स के बाद ये पेयर का ऑप्शन देता है, तो ये कर लेना है, ओके कर लेना है। अभी बहुत सारी जन को एक डाउट रहता है कि इसमें कॉलिंग फंक्शन कैसे एक्टिवेट करना है, तो आपको इसमें सेटिंग्स में जाना है, और इधर फोन वाला जो ये वाला आइकन है ना, इसको ऑन ऑफ ऑफ रहेगा ऐसे,
इसको ऑन कर लेना है। तो आप जैसे ही इसको ऑन करोगे फिर जाना है ब्लूटूथ में, तो ब्लूटूथ में आप चले जाओगे तो इधर आपको नाम आ जाएगा माउस ऊपर बीटी करके, तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ सामने सामने, अभी तक मैंने इसको पैर नहीं किया, माउस ऊपर कॉल आ रहा है इसमें, तो इस पर आपको टैप कर लेना है सिंपली। तो ये इसमें देखो अभी कनेक्ट हो चुका है, तो इसके बाद मैं इधर से जो भी कॉल अगर करता हूँ तो इसको लो पावर कर देते हैं, कैसे कि अभी नो कॉल डायल पड़ा है, इधर कुछ भी नंबर अगर डायल किया जिसपे वाइब्रेशन का फीडबैक अवेलेबल है तो इधर मिलता है। अभी लाउड स्पीकर का भी थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं, तो इधर कुछ ऐसा लाउड स्पीकर भी देखने मिलते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा खासा लाउड स्पीकर इधर देखने के लिए मिल जाता है, इधर से स्वाइपिंग भी मिल रहा है, तो इधर से एक बटन दबा के आप इसको ऐसा दबा के देखो इधर स्वाइप कर सकते हो। अब ये फोन कट हो गया, मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ, तो इधर से आप दबाओगे ना स्वाइप हो जाता है, लेकिन देखो अभी इसमें स्वाइप नहीं हो रहा है, गजब बेइज्जती है। ऐसा हो सकता है कि मैं रॉन्ग नंबर डायल कर रहा हूँ ऐसे, तो 198 भी डायल करके देख लेते हैं, 198 डायल करते हैं। ओके इसमें आ रहा है ऐसे सारे ऑप्शन, इधर से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, या फिर स्वाइपिंग भी कर सकते हो, तो देखो आप स्वाइप भी कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें इधर अवेलेबल है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम को फिलहाल फुल करके रख देते हैं, ओके चलो ठीक है। तो इधर कॉलिंग फंक्शन तो बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी इधर कॉन्टैक्ट भी सिंक हो जाता है, जो आपको ऐप के थ्रू करना पड़ेगा, जैसे कि आप मैं ताफ ऐप में गया, इधर फेवरेट कॉन्टैक्ट में जाके आप इधर 10 कॉन्टैक्ट तक देखो, 10 नहीं अराउंड 8 कॉन्टैक्ट इधर लिखा हुआ है, मैं सामने लाकर दिखाता हूं आपको, 8 कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, तो 8 कॉन्टैक्ट तक सिंक कर सकते हो। इसमें जाना है और आपको सिर्फ क्लिक कर लेना है जो जो कॉन्टैक्ट सिंक करना है, उसको कंफर्म करके इधर कंफर्म करना है, तो इधर ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा सिंक का, तो उसके बाद आप डायरेक्टली इसको सिंक कर पाओगे, और बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, मेरे को तो एकदम बेस्ट लगता है। इससे फायरबोल्ट में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है ऐसा इससे, तो इधर देख पा रहे हो आप कॉन्टैक्ट आ चुका है, अभी मैं इधर कॉन्टैक्ट चेक करूंगा, तो इधर मैं डायरेक्टली इस कॉन्टैक्ट पर भी डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम 8 कर सकते हो, 20-25 होता ना तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन डेली लाइफ में लोग 8 जन को ही कॉल करते, उतना भी नहीं करते यार। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें देखो आप नोटिफिकेशन टॉगल देखने मिल जाते हैं, तो जिसमें आप नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी इसमें ऐप में आप वॉलपेपर्स इधर से भी चेंज कर सकते हो, मैंने जो इधर से आपको ऑलरेडी बता दिया था। अभी इसमें आपको क्वेश्चन होगा कि इसमें खुद का फेस कैसे लगाना है, तो फेस गैलरी में आपको चले जाना है, इधर बहुत सारे फेस आपको देखने मिल जाएंगे, इधर 100+ आपको फेस कंपनी ने दिया है, जिसमें ऑटो अपडेट भी होते रहेगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा ये बढ़ते जाएंगे। बाकी इधर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट में आपको चले जाना है, तो एडिट में जाने के बाद इधर आपको लेना है चूज फ्रॉम एल्बम, चूज फ्रॉम एल्बम के बाद इधर अभी देखो मेरे को एक जेरी का फोटो रखना है हमारे, तो मैंने इसको चूज कर लिया और इधर डन कर दिया, और ऐसे ही रखना है इसको। टाइम का पोजीशन को अगर आपको नीचे करना है तो आप वो अलग चीज़ कर सकते हो, इसके साथ में सेव कर लेते हैं, तो इधर स्क्रीन शेयर होना चालू हो गया। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर मैंने वॉलपेपर लगा दिया है और बहुत ही प्यारा वॉलपेपर इसमें लुक लग रहा है, और कलर भी एकदम परफेक्टली एकदम परफेक्ट आया है, परफेक्टली परफेक्ट क्या ही रैम बन गया। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, अभी इसमें आपको शटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करके शटर को यूज़ कर सकते हो, मतलब सेल्फी स्टिक जैसे अपने फोन को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इधर से मैंने फोटो खींच लिया तो इधर फोटो आ गया। तो अभी इधर जो भी रिंग बजता है इधर बज रहा है, क्योंकि मैंने इसमें फोटो ऑन करके रखा है, ऑडियो को ऑफ करोगे तो रिंग बजना बंद हो जाएगा, या फिर आप इधर के गाने इधर प्ले कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अदर्स में जाते हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही, अभी देखते फाइनल डिवाइस में आवाज़ आता है क्या, तो आवाज़ अवेलेबल है, सुन पा रहे हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। अगर स्मार्ट वॉच आपने गलती से किधर रख दिया है तो आप ढूंढ पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इधर बैटरी सेविंग का ऑप्शन, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें तो आपको देखने मिली जाती है, ऑटो लॉक 30 सेकंड का मैंने करके रखा है, तो ये सब चीज़ें इधर है, हार्ट रेट अलर्ट, ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर, टेम्परेचर, साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, ये सब है। बाकी अपग्रेड कर सकते हो अगर अपडेट ऑप्शन आया है तो, बाकी इधर सब चीज़ें मिलती है। अभी मैं इसकी और एक चीज़ें आपको बताता हूँ जो मुझे पसंद आया स्पेशली, अभी जैसे कि इसमें मैं कोई भी गाने प्ले करता हूँ, जाता हूँ इधर से आवाज़ बहुत लाउड है भाई, बाकी इधर से आप चेंज प्ले बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। और मैं आपको गूगल सिरी भी एक्टिवेट करके दिखाता हूँ इसका कि कैसे काम करता है गूगल सिरी भी इसका। तो अभी गूगल सिरी में जाते हैं, एआई वॉइस असिस्टेंट करते हैं और टैप करते हैं, तो आप देख पा रहे हो इधर सिरी एक्टिवेट हो चुका है, तो आप डायरेक्टली इधर से बात करके सिरी को भी एक्टिवेट कर सकते हो। पहली फुर्सत में निकल इसके अभी सेंसर टेस्ट करते हैं, तो अभी मैंने इसको हार्ट रेट में डायरेक्टली पहले हम लोग नॉर्मल सर्फेस पर टेस्ट करेंगे कि कैसे काम करता है, और उसके बाद देखेंगे कि अपने ये मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट में कैसे काम करेगा। आप देख पा रहे हो इधर इसने नॉर्मल सर्फेस पर नहीं लिया है, तो अभी मैं इसका मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट का भी टेस्टिंग करूँगा और बताऊँगा आपको कि कैसा ये काम करता है। तो इधर मैंने अभी मेडिकल ग्रेड का भी इक्विपमेंट चालू कर दिया है अपना, देखो एकदम परफेक्ट चल रहा है टाइम टू टाइम, तो मतलब सेंसर्स बहुत तगड़े मिलते हैं इसके साथ में, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगा इस प्राइस रेंज के अंदर, इसके सेंसर्स बहुत ही एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, और ये चीज़ तो बहुत ही कम मुश्किल से देखने मिलता है इसे स्मार्ट वॉच में बजट लाइनअप के। ब्लड प्रेशर अपना SpO2 एकदम परफेक्ट दिखा रहा है, तो आप देख पा रहे हो वॉच के सेंसर्स भी बहुत ही तगड़े आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
बाकी इसमें चार्जिंग के लिए आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था एक वायर मिल जाता है, तो ऐसे कुछ वायर इसको यूज़ करके आप चार्जिंग कर सकते हो। तो चार्जिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना, वो भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। आपका भाई क्यों है हर एक चीज़ करके बताएगा, फिर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इधर आपको सिर्फ ऐसा इसको करना है और चार्ज होने लग जाता है। मैग्नेटिक ठीक नहीं है, गिर रहा है जिसके आप देख पा रहे हो, तो इसको आपको ऐसे एक जगह पे रखना पड़ेगा और या फिर इसको लटका के इधर आपको लगाना पड़ेगा। बाकी सिंपल है, सिर्फ आपको चार्जिंग पे लगा के ऐसा करना है और आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कंपनी 7 दिन का बैटरी क्लेम करती है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ 5 से 6 दिन चलेगा कॉलिंग के साथ में, और 2 दिन ईजिली चल जाएगा। बाकी इसमें यूज़ आप 5 वोल्ट तक का चार्जर कर सकते हो, उससे ज़्यादा का लगाओगे तो खराब हो जाएगा, तो बैटरी में ऐसा कुछ बातें हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो बैटरी सेल्फ सफिशिएंट है, इतना तो आप यूज़ कर ही लोगे कोई भी स्मार्ट वॉच में। सो गाइस आपने पूरा चीज़ें देख ली कि इसके साथ इसके सेंसर्स कैसे मिलते हैं, इसका डिस्प्ले कैसे मिलता है और उसके कॉलिंग फंक्शन कैसे काम करती है, यूआई कितना अच्छे से काम करता है, हर एक चीज़ मैंने आपको इन डिटेल में बता दी टेस्टिंग करने के साथ साथ। बाकी अगर छोटी मोटी चीज़ों की बात करूँ, जैसे मैंने बताया IPX की रेटिंग तो मिली जाती है IP68 की, देन फिर आप अपने एप्लीकेशन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो दाफिट और एकदम इजीली चलता है, वो भी मैंने आपको बताया ही है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन कर दी कि कैसे कनेक्शन करना है, सब कुछ कैसे करना है। अभी तात्पर्य है कि स्मार्ट वॉच को खरीदना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से 1799 में बहुत ही तगड़ा ऑफर दिया गया है। इतना अच्छा डिस्प्ले इसके साथ मिल जाता है जो मुझे बहुत ही सही लगा। पिक्सलेशन नहीं है, कनेक्शन एकदम स्टेबल रहता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं छोटी मोटी चीज़ें बात करूँ तो कुछ करने ऐसी है नहीं, क्योंकि सभी चीज़ इसमें अच्छी लगी और इस प्राइस रेंज में। तो बाकी तो बहुत सारे जन है जो इसके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, आप लोगों को पता ही है। आलो, ले लो। और हमारे चैनल पे भी आपको पता चली जाएगा। सो गाइस अगर आपको इसको खरीदना होगा स्मार्ट वॉच को, तो नीचे वेस्ट बैंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर करना। बहुत मेहनत लगी इसे वीडियो बनाने के लिए, तो भाई सब्सक्राइब तो करके जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना डेली ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।